गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको एक इतना ब्यूटीफुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसका कैसे प्रोपोगेशन होता है, उसको वाटरिंग कितनी देनी चाहिए, उसकी जो हम मिट्टी तैयार करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, उसमें फंगस किस तरह का लगता है, वो हर चीज़ के बारे में व्यूअर्स में आज डिटेल में आपको बताऊँगा। व्यूअर्स ये आप देख रहे हैं, ये जीजी प्लांट है। कहीं कहीं पे जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जेड जेड प्लांट बोलते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको जीजी प्लांट बोलते हैं, और हम लोग भी इसको जीजी प्लांट ही बोलते हैं। बेसिकली इसका एक साइंटिफिक नेम है जीजी, काफ़ी बड़ा है, मुझको मोबाइल में देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश इसका नाम है। बेसिकली ये ब्रिटिश और अमेरिकन का ये ऑरिजिन वहीं से हुई है इस प्लांट की। तो ये अभी कोरोना काल में इसका जो ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक किया है, लाइक उसको इसीलिए किया है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि ये जो ऑक्सीजन हमें बहुत सारी दिन भर देती रहती है। प्लांट इस दोस्तों मैं इसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ, बेसिकली ये जीजी प्लांट है। ये इतना हार्डी प्लांट होता है, इतना हार्डी प्लांट है, इसको इसको जो है ना ग्रो करने के लिए बस थोड़ा सा समय की ज़रूरत बहुत होती है। ये उसकी रीज़न ये है कि ये बड़ा स्लो प्लांट होता है। व्यूअर्स ये चूंकि बाहर का प्लांट है, इसका एक टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर जो है ना इसमें जो है ना वो 10 से लेकर करीब वही 24-25 तक का ये टेम्परेचर देते हैं। बाकी इसका जो हम लोगों के यहाँ जहाँ पर है, आपका मद्रास है, इधर कर्नाटक है, गोवा है, इधर मुंबई है, इधर आपका नागपुर साइड में इधर आ जाइए, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा, जहाँ पर यूनिवर्सल क्लाइमेट रहता है व्यूअर्स, वहाँ पर ये बहुत बहुत अच्छा चलता है। व्यूअर्स मैं आपको इस बारे में, इसकी जो पॉटिंग मिक्स होती है, जो उसको जो हम इसकी जो मिट्टी बनाते हैं, वो मिट्टी जो है ना बहुत सोच समझ के और बड़ा साइंटिफिक रीजन से बनाई जाती है। इसकी जो हम लोग पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जो मिट्टी बनाते हैं, वो बेसिकली जो है ना 40% हम इसकी गार्डन सॉइल ले लेते हैं, और इसमें करीब 20% जो है ना हम सैंड मिलाते हैं। रिवर्स सैंड हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो है ना प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, इस बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और उसी टेम्परेचर पे रिवर्स ये जो है ना बहुत अच्छा चलता है। अगर इसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा तो हमें इसको बचाना पड़ेगा, हमें इसको कमरे में रखना पड़ेगा, बेडरूम में रखना पड़ेगा, और या शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा। उसी तरह से व्यूअर्स अगर बहुत सर्दी होती है, जैसे जनवरी का हमारे यहाँ महीना दिसंबर का महीना होता है, उस समय भी इसको जो है ना सेमी शेडेड एरिया में छाया में रखना पड़ता है, और इसको जो है ना बचाना पड़ता है। व्यूअर्स ये इसकी जो हम लोगों का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अगर इस पौधे को बचाना है तो इसको आप जो है ना टेम्परेचर से बचाना पड़ेगा। व्यूअर्स ये जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है दोस्तों, इसकी फिलहाल तो दो वेराइटीज़ आई हैं हमारे पास, दोनों हैं, एक ये ब्लैक वेराइटीज़ होती है और एक ये जो है ना ग्रीन वेराइटीज़ होती है। ये देख रहे हैं दो ही तरह की अभी इसकी वेराइटीज़ आई हैं, ये मेरे पास देखो ग्रीन है और ये ब्लैक है। इसका दोस्तों मैं आपको सबसे ज़्यादा इसमें होता ये है कि ये हम लोग लगा देते हैं, लगाने के बाद हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। दोस्तों ये बहुत जल्दी बड़ा नहीं होता, इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत बहुत स्लो होती है। व्यूअर्स इसमें देख रहे हैं, इसमें राइजोम्स होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राइजोम्स होते हैं, ये देखिए ये राइजोम्स जो शकल कन की तरह जैसे नहीं होते, उस तरह के इसके नीचे राइजोम्स हो, उसी से ये जो है ना राइजोम से ये जो बड़ा होता है। टेम्परेचर जो है ना होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से तो इसमें प्रॉब्लम होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो इसकी बहुत प्रॉब्लम होगी है, इसीलिए ये सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। व्यूअर्स ही बहुत महंगा प्लांट होता है, 400-500 का एक छोटी सी स्टिक इसकी आती है, अगर ये बंचेज में है तो ये थोड़ा सा और महंगा होगा। व्यूअर्स सबसे बड़ा आपको कहना चाहिए, अगर इसका कोई दुश्मन है तो उसका पानी है। अगर इसको मारना है तो किसी तरीके से नहीं मरेगा, अगर इसमें ओवर हम वाटरिंग कर देंगे
तो ओवर वाटरिंग एक महीने के अंदर ये आपका जो है ना इसके राइजोम्स जो है ना वो रूट रॉक हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और ये धीरे धीरे नीचे से गलने लगेगा। व्यूअर्स इसका जो हमने अभी ये वो बताया था कि इसका जो प्रोपोजिशन है और इसका क्लाइमेट है, इसका उस बारे में जो है ना मैं अभी आपको बताया था। व्यूअर्स सबसे जो है ना इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो है ना ये दिन भर हमको ऑक्सीजन देती है, रात को ऑक्सीजन ये हमारा प्लांट जीवित प्लांट देता है। इसमें एक महत्वपूर्ण ये होता है कि जब भी हम इसको पानी डालते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि इसकी कम से कम 2 या 3 इंच एरिया जब बिल्कुल सूख जाती है तभी इसमें पानी देता है देना पड़ता है। व्यूअर्स इसको आप बिल्कुल डार्क डेंस अंधेरे में इसको रख सकते हो, बेडरूम के कोने में रख सकते हो और इसमें 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना अगर किसी तरह से हम इस पौधे को भूल भी जाते हैं तो दोस्तों ये कभी मरेगा नहीं। ये इसकी लीव्स है ना ये थोड़ी सी विल्ट हो जाएंगी और फिर जब हम पानी डालेंगे तो उसके बाद ये पानी फिर ये अच्छे हो जाएगा, ये कभी मरेगा। अगर ये मरेगा तो सिर्फ इसको ओवर वाटरिंग से मर सकता है। इसका एक लोगों का कहना है कि ये जो है ना जो हमारे ऑक्सेस वगैरह रहते हैं उसमें इसको रखने से ऑक्सीजन प्लस क्लाइमेट क्लीन और तमाम तरह की गैसेस जो है ना छोटे छोटे ऑक्सीजन में रहती हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको फ्रेश एयर ऑक्सीजन वगैरह इसको ये हमसे मिलती रहती है। व्यूअर्स इसका प्रोपोगेशन की मैं आपको बताऊँ, अगर इसको प्रोपोगेशन का मतलब है कि एक पौधे से कई पौधे हम इसको कैसे बनाएं, तो व्यूअर्स में उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर एक पौधे से कई पौधे बनाना है तो इसको जो है ना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक ये देखिए नीचे से हम इसको एक कट करके लगा तो और इसको वाटर में हम लगा देंगे तो एक पौधे से धीरे 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 वाटर में ये इसमें से रूट आ जाती हैं। रूट इसलिए आ जाती है क्योंकि अब आप दोस्तों कहोगे कि इसको पानी इसका दुश्मन है, रूट कैसे आ जाएगी, तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि जो वाटर होता है उसमें काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उस वजह से इसमें न्यू रूट्स आ जाती हैं। अगर हम न्यू रूट्स आने के बाद हम इसको अगर पौधे में अगर किसी प्लांट में या प्लांटर में लगाते हैं, अगर उस प्लांटर में मिट्टी में अगर इन्फेक्शन है कुछ फंगस का इन्फेक्शन है व्यूअर्स तो ये सूख जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करते हैं काफ़ी डेवलप जब रूट हो जाएंगे तब हम इसको जो है ना उसमें लगाएंगे। देखो व्यूअर्स ये यहाँ से ये हम इसका दूसरा एक प्लांट बना सकते हैं। बाकी व्यूअर्स में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसमें अगर हम देखिए ये पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाने से व्यूअर्स देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल रूट रोट हो गए, सड़ गए, देख रहे हैं तो ये ऊपर से ये खराब हो गया है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा बहुत बहुत कम डालनी पड़ती है। व्यूअर्स ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको हम लोग जो है ना ऑक्सीजन वगैरह के लिए रखते हैं और जो प्लांट रबर है वो बहुत इसको प्यार से रखते हैं। व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर ये स्टेम देते हैं बहुत अच्छी ग्रीनिंग बड़ी से अगर चाहते हैं तो हमको जो नीचे से राइजोम्स ये प्लांट्स नीचे से ये निकलते हैं उसको हमको यहाँ से कट करना पड़ता है, 2 या 3 हम ही रखना पड़ता है। अगर 2-3 रहेंगे तो इसका जो फीडिंग मटेरियल है वो जो है ना हमको एक में मिल जाएगा तो ये हमारा लंबा और बहुत अच्छा दिखता है। व्यूअर्स इसका नाम बड़ा चर्चित होता है, इसके नाम से बड़े लोग कहते हैं कि इसका नाम इतना बड़ा ऐसे क्यों रखा गया है, तो बेसिकली इसका जो है ना साइंटिफिक नेम जो है ना वो हम आपको देख के बताएंगे, इसीलिए जो है ना ये मोबाइल में देख के बताना पड़ेगा, बाकी ये भी लोग प्लान बोलते हैं। व्यूअर्स अगर और इसमें किसी तरह की कोई आप हमें फोन करके पूछ सकते हो ये प्लान के बारे में और अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हो। व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो मेरा चैनल समीर टेरेस गार्डनिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।
आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको इसी तरह से, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे तो हम आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो व्यूवर्स, मैं एक बार फिर आगे सभी से कहूँगा कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। इसीलिए व्यूवर्स, मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, इसलिए लोग बोरियत मत हो। अगर किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट से आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।